अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन फ्रीज ब्लॉग्स। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सुजुकी कल्टस और सुजुकी वैगन आर दोनों मौजूद हैं और आज हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे। जो सुजुकी कल्टस है वो 2021 मॉडल है और जो सुजुकी वैगन आर है वो 2019 मॉडल है और ये दोनों जो वेरियंट है वो VXL वेरियंट है, टॉप ऑफ द लाइन जो वेरियंट दोनों में आते हैं ये वो हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स के डिफरेंसेस बताऊंगा, इनके एक्सटीरियर में क्या डिफरेंसेस है, इंटीरियर में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के इंजन सेम है तो इसलिए हम इनके आज डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम सुजुकी कल्टस की इनवॉइस प्राइस की बात करें तो वो 18,30,000 है, जबकि अगर हम सुजुकी वैगन आर VXL की इनवॉइस प्राइस की बात करें तो वो 16,10,000 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फ्रंट का कंपेरिजन करें वैगन आर का और कल्टस का, तो इन दोनों के अंदर आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और नीचे अगर आप आ जाएं तो नीचे फॉग लैंप्स जो हैं, जो कल्टस VXL है इसके अंदर फॉग लैंप्स आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं, जबकि जो वैगन आर है इसके अंदर आपको फॉग लैंप्स कंपनी की तरफ से नहीं मिलते, आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ते हैं। उसके अलावा आप दोनों की ग्रिल देख सकते हैं कि दोनों की क्रोम ग्रिल है, ये VXL वेरियंट में क्रोम ग्रिल आपको मिलती है, दोनों के जो VXR वेरियंट है इनके अंदर आपको क्रोम ग्रिल नहीं मिलती। तो ये गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट है। साइड प्रोफाइल के बारे में दोनों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियों में आपको अलॉय रिम्स मिल जाते हैं, ये सुजुकी वैगन आर के अलॉय रिम्स हैं और ये 13 इंच के अलॉय रिम्स हैं, और इसके अंदर जो टायर आता है वो जनरल का यूरो टाइकून टायर आता है, जबकि जो कल्टस VXL है इसके अंदर आपको 14 इंच के अलॉय रिम्स मिलते हैं और इसके अंदर भी जनरल का यूरो टाइकून टायर आपको मिल जाता है। जो साइड प्रोफाइल में इनमें एक डिफरेंस आता है वो ये है कि जो कल्टस के साइड मिरर्स हैं वो आपको ऑटो एडजस्टेबल है, मतलब कि आप अंदर से इनको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि जो वैगन आर के साइड मिरर है मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको बाहर से एडजस्ट करना पड़ता है हाथ से, ये अंदर से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये सबसे जो मेन डिफरेंस है इनकी साइड प्रोफाइल में वो इन दोनों गाड़ियों में है, बाकी ओवरऑल इनके अंदर सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ ये साइड मिरर का फ़र्क है कि इसके जो साइड मिरर्स हैं वो ऑटो एडजस्टेबल हैं और जो इसके हैं वो ऑटो एडजस्ट नहीं होते। गाड़ियों की बैक लुक पर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं कि जो सुजुकी कल्टस है अगर इसकी बैक के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको बैक लाइट्स जो मिलती हैं हैलोजन बल्ब हैं उसके अंदर, उसके अलावा इसके अंदर आपको ये देख सकते हैं कि ABS का मोनोग्राम मिलता है, इसके अंदर ABS ब्रेक्स हैं और ये ऊपर आपको इसके अंदर कंपनी की तरफ से बैक ब्रेक लाइट मिलती है, जबकि अगर हम वैगन आर की बात करें तो इसके अंदर आपको ABS नहीं मिलती और इसकी जो बैक लाइट ऊपर स्पॉइलर लगा हुआ है वो आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, इसके अंदर आपको कंपनी की तरफ से बैक लाइट नहीं मिलती। और ये दोनों गाड़ियों की ओवरऑल बैक लुक है और ये बैक का कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दोनों गाड़ियों की ओवरऑल बैक से लुक है। अब हम अगर इन दोनों गाड़ियों के इंजन की बात करें, इन दोनों गाड़ियों में आपको K-सीरीज इंजन मिल जाता है और दोनों गाड़ियों में सेम इंजन है और जो हॉर्स पावर इसका इंजन दोनों का प्रोड्यूस करता है 69 हॉर्स पावर है, लेकिन जो फ्यूल एवरेज है वो कल्टस की वैगन आर से अच्छी है। कल्टस की जो फ्यूल माइलेज है विद इन सिटी वो 14 से लेके 18 किलोमीटर तक कल्टस करती है, और ये भी आपकी ड्राइविंग पर डिपेंड करता है, 18 मैक्सिमम कल्टस आपको विद इन सिटी विद AC दे देती है, जबकि जो वैगन आर है इसकी 14 to 16 माइलेज है, और इनकी माइलेज में इंजन तो इन दोनों गाड़ियों का सेम है लेकिन इनकी माइलेज में जो फ़र्क है वो इस वजह से है क्योंकि जो वैगन आ रहा है उसका वेट कल्टस से ज़्यादा है, 130 kg जो वैगन आ रहा है उसका वेट कल्टस से ज़्यादा है, इस वजह से जो कल्टस है इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो वैगन आर से बेहतर है। तो अब हमने एक्सटीरियर का इसका दोनों का कंपेरिज़न कर लिया, साथ कल्टस और वैगन आर में VXL कल्टस में और वैगन आर में ये भी फ़र्क है कि जो वैगन आर है इसके अंदर आपको ना ABS ब्रेक्स मिलती हैं, ना एयरबैग्स मिलते हैं, ना इसके साइड मिरर जो है वैगन आर के ऑटो एडजस्टेबल हैं, और ना इसके अंदर बैक पावर विंडोज़ हैं। कल्टस के अंदर आपको 4 पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, इसके अंदर जो है आपको साइड मिरर एडजस्टेबल मिल जाते हैं, उसके अलावा ABS मिल जाती हैं, एयरबैग्स मिल जाते हैं, और 4 डोर स्पीकर भी कल्टस के अंदर आपको मिलते हैं, जबकि वैगन आर में सिर्फ आपको 2 डोर स्पीकर मिलते हैं। तो हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और मैं आपको इंटीरियर में डिफरेंसेस दिखाता हूँ। वैगन आर का इंटीरियर देख सकते हैं, वैगन आर के अंदर आपको जो इंटीरियर मिलता है वो 2-टोन में मिलता है, बेज प्लस ब्लैक, और इसकी जो सीट्स हैं ये भी आपको ब्लैक कलर में मिलती हैं, और ये ओवरऑल वैगन आर का इंटीरियर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको फ्रंट पावर विंडोज़ मिलती हैं, बैक इसकी पावर विंडोज़ नहीं होती, और साइड मिरर भी इसके जो ऑटो एडजस्टेबल नहीं है,
उसके अलावा इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि क्लेरियन का हेड यूनिट है जो 2021 मॉडल है, उसके अंदर आपको जो है MP5 प्लेयर मिलता है जो कल्टस में भी आता है, उसी तरह का आपको वैगन आर में मिल जाता है। और ये ओवरऑल इसका इंटीरियर है, ये जो आर्म रेस्ट है इसके अंदर ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये कंपनी की तरफ से नहीं आता। अब हम कल्टस के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। ये कल्टस का इंटीरियर आप देख सकते हैं, कल्टस का टू टोन इंटीरियर है लेकिन ये ब्लैक और ग्रे के अंदर है, इसलिए इतना इसका आपको पता नहीं चलता कि ये टू टोन, इतना वाजे फ़र्क नहीं आपको पता चलता। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फोर पावर विंडोज़ हैं, उसके अलावा साइड मिरर के एडजस्टमेंट के बटन भी हैं, यहाँ पे आपको फॉग लाइट का बटन मिल जाता है। और इसकी जो सीट्स हैं उनकी कुशनिंग भी ब्लैक है और इसका इंटीरियर भी ऑलमोस्ट ब्लैक है। इसके अंदर आपको ये MP5 प्लेयर मिलता है, ये एंड्रॉयड यूनिट नहीं है, MP5 प्लेयर और साथ इसके अंदर आपको फोर डोर स्पीकर्स मिल जाते हैं। और जो आर्म रेस्ट है इसके अंदर ये बिल्कुल सेम मेरी वैगनर वाला ही लगा हुआ है इसके अंदर, और ये आफ्टर मार्केट इसमें भी लगवाया था कंपनी की तरफ से, इसमें भी आर्म रेस्ट नहीं आता। बैक सीट्स की बात करें तो बैक स्पेस जो है वो कल्टस की विड्थ में थोड़ी वैगन आर से ज़्यादा है, लेकिन जो लेग स्पेस है वो वैगन आर की कल्टस से थोड़ी बेहतर है, मुझे थोड़ी बेहतर लगी है, लेकिन विड्थ में जो है वो कल्टस की जो बैक सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं। और जो कल्टस की बैक सीट्स है इसके अंदर आपको सीट बेल्ट भी मिल जाती हैं और वैगन आर में भी आपको सीट बेल्ट मिल जाती हैं। तो ये कल्टस की बैक सीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, पावर विंडोज़ भी हैं इसके अंदर, कप होल्डर्स भी मौजूद हैं। अब हम वैगन आर की तरफ चलते हैं। ये वैगन आर की बैक सीट्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर विड्थ थोड़ी कम है और लेग स्पेस मुझे दोनों की ऑलमोस्ट इक्वली लग रही है, अभी देखते हुए कोई इतना फ़र्क नहीं है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बैक सीट्स में आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलती। तो हम दोनों गाड़ियों के ट्रंक स्पेस की तरफ चलते हैं, मैं आपको इन दोनों की ट्रंक स्पेस का कंपेरिजन दिखाता हूँ। करते हैं कल्टस की ट्रंक स्पेस से। सबसे पहले इसके अंदर आपको बूट सेपरेटर मिल जाता है, उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो ये इसकी ट्रंक स्पेस है, और इसकी ट्रंक स्पेस जो है वो एज़ कम्पेयर टू वैगन आर मुझे वैगन आर से ज़्यादा लगी है। और नीचे अगर आप आ जाएं तो इसके अंदर आपको स्टपनी और साथ जैक वगैरह मिल जाता है, जो टूल्स हैं जो इसकी चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं टायर को वो। और ये इसका कवर है, ये मैंने आफ्टर मार्केट लिया था, ये गाड़ी के साथ नहीं आता। उसके अलावा अगर हम वैगन आर की ट्रंक स्पेस के बारे में बात करें, इसके अंदर आपको बूट सेपरेटर वैगन आर में भी मिल जाता है, और इसके अंदर आपको जो ट्रंक स्पेस है वो कल्टस से थोड़ी सी कम मिलती है, जिसकी वजह एक ये भी है कि वैगन आर के अंदर जो फ्रंट सीट्स के लिए लेग स्पेस है वो थोड़ी कल्टस से ज़्यादा है, और बैक सीट्स के लिए भी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। उसके अलावा नीचे आपको ये देख सकते हैं कि कल्टस की तरह स्टेपनी और जैक वगैरह मिल जाता है टायर चेंज करने के लिए। गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी की, तो इन दोनों गाड़ियों की जो एक्सटीरियर की बिल्ड क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी में कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात करें, जो इंटीरियर की वैगन आर की बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे कल्टस से थोड़ी बेहतर लगी है, जैसे कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। कल्टस के जो दरवाज़े हैं इनकी जो जो प्लास्टिक इसके अंदर लगा हुआ है वो इतनी अच्छी आपको फीलिंग नहीं देता, वो आपको लगता ऐसे है कि ये थोड़ा लो क्वालिटी प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया हुआ है। नीचे इन्होंने ये कपड़ा टाइप चीज़ लगाई हुई है, लेकिन ये कपड़ा नहीं है, प्लास्टिक के ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, फैब्रिक है नहीं है, तो ये सॉफ्ट टच नहीं, हार्ड टच ही है। तो मुझे इसके जो दरवाज़े हैं उनकी क्वालिटी वैगन आर से थोड़ी लो लगी है। साथ वैगन आर के अंदर आपको ये सिल्वर में मिलते हैं, डोर हैंडल इसके अंदर ब्लैक में है। उसके अलावा जो इसका डैशबोर्ड है वो हम कह सकते हैं कि वैगन आर के ऑलमोस्ट ये जो पार्ट ऊपर वाला है वो क्वालिटी में सेम है। साथ वैगन आर में बेज इंटीरियर आता था, शायद इस वजह से भी उसका जो इंटीरियर है वो थोड़ा बेहतर लगता है। अब अगर वैगन आर की तरफ चलें तो ये देखें, वैगन आर के जो दरवाज़े हैं उनको फील टच करके पता चलता है कि इसकी जो है क्वालिटी कल्टस से थोड़ी ही बेहतर रखी गई है सुजुकी की तरफ से। अब इसके प्लास्टिक पार्ट्स की
क्वालिटी का एक चीज़ इससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि दोनों गाड़ियों में मैंने सेम आर्म रेस्ट लगाए हुए हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि वैगन आर का जो आर्म रेस्ट है ये अपनी जगह पर फिक्स है, ये नीचे भी आप देख सकते हैं, ये कोई पार्ट इसका इसको हिलाने से नहीं हिल रहा, मैं इसे ज़ोर से हिला रहा हूँ और कोई पार्ट इसका नीचे से नहीं हिल रहा। इससे पता चलता है कि जो इसकी प्लास्टिक पार्ट्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जबकि अगर हम कल्टस की तरफ आ जाएं तो मैं अभी आपको इसका आर्मरेस्ट हिला के दिखाऊंगा कि आप ये देखें, मैं अगर इसका आर्मरेस्ट हिला रहा हूँ तो इसका जो नीचे वाला प्लास्टिक वाला कंपार्टमेंट है ये भी साथ हिल रहा है। इसकी वजह ये है कि जो इसका नीचे प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ किया गया हुआ है ना, ये नीचे कंसोल के अंदर जो छोटा कंसोल है वो इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से जो है वो एक तो लो क्वालिटी और फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से ये इसका आर्मरेस्ट हिलता है। तो इस चीज़ से आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि जो वैगन आर है उसकी बिल्ड क्वालिटी कल्टस से बेहतर है, मुझे वो कल्टस से बेहतर लगी है। कल्टस में फ़ीचर्स वैगन आर से बिल्कुल ज़्यादा हैं, इसके अंदर ड्यूल एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, ABS ब्रेक्स मिल जाती हैं, फोर डोर स्पीकर्स मिल जाते हैं, और फिर इन दोनों में जो एक और डिफरेंस है वो इसके अंदर आपको कैबिनेट फिल्टर भी मिलता है, वैगन आर में आपको कैबिनेट फिल्टर नहीं मिलता, वो आपको ख़ुद लगवाना पड़ता है। इन डिफरेंसेस इन गाड़ियों में हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना इंटीरियर की वो मुझे वैगन आर से कम लगी है, और इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी वैगन आर से ज़्यादा है। अगर अब हम इन दोनों के आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊँ मैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगर आप कल्टस लेते हैं तो इसके अंदर आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी मिल जाती है, 18 तक मिल जाती है आपको। उसके अलावा इसके अंदर आपको ट्रंक स्पेस अच्छी मिल जाती है, इसके अंदर आपको फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं जैसे ABS ब्रेक्स मिल जाती हैं, उसके अलावा आपको इसके अंदर एयरबैग्स मिल जाते हैं, फोर डोर स्पीकर्स मिल जाते हैं, और ये फॉग लाइट्स इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं जो कि वैगन आर में नहीं आती, तो ये चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं। बैरिजन वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।